हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू बैंक डॉट कॉम माई नेम इज रमनदीप सिंह वी आर गोइंग टू डू द फेमा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉरिन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट पहले तो इसको याद रखो वॉट इज द फुलेमा यू विलीव की ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं आई हैव सीन अ लॉट ऑफ सिमिलर क्वेश्चन इन द एग्जाम की फेमा की फुलफॉर्म क्या है यूट बिलीव की आर आर बी स्केल टू स्केल थ्री एग्जाम में या इवन एस बी आई सी बी ओ में पी एन बी क्रेडिट ऑफिसर में बार बार सरफाइसी की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं रिपीटेडली हम इतना लंबा चौड़ा सरफाइसी एक्ट पढ़ाते हैं आई बी सी पढ़ाते हैं और पूछते क्या है कि सरफाइसी की फुल फॉर्म क्या है सो यू शुड नो द फुल फॉर्म इन ऑफ राइटिंग फेमा आई एम राइटिंग फॉरन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट पहले ये तो पता होना चाहिए सो स्टूडेंट्स इंडियन बैंक एसो स्केल वन असिस्टेंट मैनेजर एन आर बिजनेस रिलेशनशिप कोर्स हैज हैजन स्टार्टेड ऑन बैंक एग्जाम टूडे एंड दिस पर्टिकुलर सेशन इज पार्ट ऑफ द एन आर बिजनेस रिलेशनशिप ओनली Uh, the proper course is available on bank Exams today. Link is available in the description and you can check there. So, what is the main objective for introducing FEMA in India? To facilitate external... See, basically the goal of FEMA, it replaced FERA. it replaced FERA, right? It replaced the FERA. And may be up foreign exchange related... Uh, कह लीजिए गलती करते थे या कोई मिस्टेक होती थी दैट वॉज क्रिमिनल अफेंस सो फेमा ने सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उसको सिविल क्राइम बना दिया जो भी क्राइम uh, uh, हो रहे थे फॉरेक्स को लेके वो फेरा में क्रिमिनल थे फेमा में वो सिविल बन गए राइट सो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इट वॉज नॉट रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट इन्फ्लेशन डोमेस्टिक ट्रेड का नहीं है ये फॉरन ट्रेड और फॉरन पेमेंट्स जो आप कर रहे हो एक्सटर्नल ट्रेड एंड एक्सटर्नल पेमेंट उसको फैसिलिटेट कर रहा है उसको रेगुलेट कर रहा है राइट सो दैट वॉज अ मेन टारगेट ऑफ फेमा फेमा इज एप्लीकेबल टू एनी सिटीजन ऑफ इंडिया रिजाइडिंग इन इंडिया या एनी सेट बोथ नी सिटीजन ऑफ इंडिया रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया वेल ने इंडिया में पेमेंट करना है कोई लैंड खरीदनी है इन्वेस्ट करना है रेमिटेंस देनी है तो उसके लिए भी फेमा इज एप्लीकेबल एंड वॉट डज करंट अकाउंट इन बी ओ पी अंडर द फेमा एक्ट रेप्रेजेंट करंट अकाउंट करंट अकाउंट वाली ट्रांजेक्शन और कैपिटल अकाउंट वाली ट्रांजेक्शन यू शुड बी एबल टू डिफ्रेंशिएट सो ट्रांजेक्शन इनवॉल्व आउटफ्लो एंड इनफ्लो ऑफ मनी ड्यू टू ट्रेडिंग एंड रेंडरिंग ट्रेडिंग ऑफ कमोडिटी एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज इन इंडिया राइट आपने कोई प्रोडक्ट सेल परचेज किया है आपने लैंड परचेज करी है Uh, जो आपका रेगुलर बिजनेस है राइट right? उसके लिए आपने कोई या आपने कोई सर्विस प्रोवाइड करी है वाइल इन इंडिया इफ़ आई एम डूइंग वीडियो एडिटिंग फॉर माय कस्टमर्स इन यू एस ए दैट इज़ अ करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन नहीं है वीडियो एडिटिंग मान लीजिए मेरा एक रेगुलर बिजनेस है जो मैं सेल करके मेरे पास पैसा आएगा दैट आर करंट अकाउंट की ट्रांजेक्शन है वो ओके डे टू डे एक्टिविटी ऑपरेशनल जो आपके ऑपरेशंस हैं बिजनेस के उसके लिए जो भी आपके खर्चे और इनकम हो रहे हैं दे आर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन करंट अकाउंट कंप्राइजेस ऑफ इनफ्लोज आउटफ्लोज टू एंड फ्रॉम कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर फॉर ट्रेडिंग फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज एंड ऑल वॉट डज कैपिटल अकाउंट कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन क्या है कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन मूवमेंट ऑफ कैपिटल इन इकोनमी ड्यू टू कैपिटल रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर जो करंट अकाउंट वाली ट्रांजेक्शंस नहीं है दे आर कैपिटल फॉर एग्जाम्पल यू परचेज प्रॉपर्टी इन इंडिया आप एन आर आई हो और आपने प्रॉपर्टी परचेज कर ली है इंडिया में लुधियाना में सो दैट इज वॉट दैट इज अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन राइट जो डे टू डे बिजनेस में आपकी एक्टिविटी नहीं है उसमें आप जो भी खर्चे कर रहे हो दो हजार कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स मूव दैट इज अ मूवमेंट ऑफ कैपिटल स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिए इंडिया में दैट इज अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन ठीक है वॉट इज़ अ मिनिमम ओनरशिप मिनिमम ओनरशिप परसेंटेज फॉर फॉर एन ओवरसीज कंपनी ओन बाय बाय एन आर आई फॉर फैमा एप्लीकेशन अगर सिक्सटी परसेंट एनआरआई ओन करता है किसी कंपनी को तो उस पर फेमा लगेगा राइट right? अगर सिक्सटी परसेंट ओनरशिप नॉन इंडियन की है तो उस पर फेमा लगेगा ओवरसीज कंपनी की है तो उस पर फेमा एप्लीकेबल होगा हु इज एन ऑथराइज पर्सन एन पर्सन ऑथराइज बाय आर बी आई टू कंडक्ट द फॉरन एक्सचेंज बिजनेस इज एन टू कंडक्ट फॉरन एक्सचेंज बिजनेस दैट्स अथराइज पर्सन पब्लिक सेक्टर बैंक प्राइवेट सेक्टर बैंक हो सकते हैं मनी एक्सचेंजर्स हो सकते हैं राइट दे आर वट दे आर ऑथराइज परसन ओके एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ ऑथोराइज परसन्स दे कैरी आउट ऑल द ट्रांजेक्शन्स फॉर एक्स ट्रांजेक्शन दे कैरी आउट ऑल द फॉर एक्स टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ पेमेंट टू एंड फ्रॉम अ पर्सन सिचुएटेड आउटसाइड द कंट्री वो रेगुलेट नहीं करते वो बेसिकली आर की गाइडलाइंस को मान रहे हैं आर फॉलोइंग दाइन्स टू फेसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट ओके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दो हजार में फेम एक्ट जो है लागू हुआ था इट वॉज इन एक्टेड इन नाइनटीन नाइनटी नाइन इट वॉज पास इट वॉज पास इन विंटर सेशन ऑफ नाइनटीन नाइनटी नाइन But it came into force on first day of first June two thousand. Okay. What is the role of RBI under FEMA to pass the regulations to facilitate external trade and payment to regulate the flow of payment to and from a person situated outside the country? So basically, regulations ko pass kar rahe hai. They are passing the regulation. They are facilitating the external trade and payment, and they are regulating the whole forex industry. Okay. द मेन चैलेंज ब्रॉट एंड फेमा कंपेयर टू फैरा दैट इज इम्पॉर्टेंट फेमा में जो है सारे ऑफेंसिस को सिविल ऑफेंस बना दिया गया फ़ैरा में इट वॉज क्रिमिनल ऑफेंस इफ वूइंग एनी अगर रूल को तोड़ रहे थे आप विच द फॉलोइंग इज नॉट अंडर द प्रिव्यू ऑफ फेमा फॉरन एक्सचेंज तो है डोमेस्टिक सिक्योरिटीज आर अंडर द प्रिव्यू ऑफ सेबी नॉट द फेमा वो सेबी के अंडर आते हैं As per FEMA, who has the permission to conduct foreign exchange, foreign security transaction, or the right to hold or own immo immovable property in foreign country? Uh, Indian residing in India, Indian residing outside India. Okay, he has the permission. No issues. वट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमा एक्ट ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है फुल फॉर्म यू शुड नो द फुल फॉर्म ऑफ सरफाइस ई फेमा जो भी इम्पॉर्टेंट टर्म्स आप पढ़ रहे हो उसकी फुल फॉर्म्स आपको पता होनी चाहिए फॉरन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ये बहुत ईजी क्वेश्चन है आता है कई बार एग्जाम में राइट दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन आर देयर इन द एग्जाम वट इज अ मैक्सिमम लिमिट फॉर पेमेंट ऑफ कमीशन टू एन एजेंट आउटसाइड इंडिया फॉर सेलिंग कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्लॉट्स इन इंडिया जो कमीशन पे कर रहे हो That cannot be more than 25,000 US dollars or 5% of inward transaction per transaction, whichever is higher. That is the maximum limit for payment of commission to an agent outside India. Okay, let's move forward. And, uh, students, that's I guess all for today. I made 15 important questions or itne hi zaruri hai uh, for FEMA. I'll be making even more questions in the future and, and I will be providing those questions to you on this channel only. Indian Bank SO Scale 1 Assistant Manager NR Business Relationship Course 2024 is available on bank exams today in which we are providing video classes, notes, quizzes, test series,

Link to join the course is available in the description. If there is any doubt, ask me. Thank you and have a very nice day. Bye bye.